हैवी क्वालिटी का गन्ने के जूस का कार्ट देख सकते हो, रेडी हो चुका है। पूरा स्टेनलेस स्टील एसएस की क्वालिटी में बनाया हुआ है। पूरा हैवी क्वालिटी के व्हील लगाए हुए हैं। इस मशीन को चलाने के लिए ना बिजली की ज़रूरत है, ठंडा करने के लिए भी बिजली की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो, इजीली मूव कर सकते हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरा फ्रेंड्स, आप इस तरीके से गन्ने की ट्रॉली लेके मार्केट में घूम के खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो, पूरा ट्रॉली रेडी हो चुका है। तो वीडियो में पूरा डिटेल देने वाला हूँ, गन्ने का जूस निकाल के बताने वाला हूँ, ट्रॉली चालू करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप देख सकते हो, ये हमारे गन्ने के जूस का ऑन द स्पॉट हाइजेनिक ठंडा चिल्ड करके गन्ने का रस निकालने वाला मशीन है। पूरा ट्रॉली सिस्टम है, आप देख सकते हो। आप आगे पीछे करके मूव कर सकते हो, कहीं लेके जाना है तो लेके भी जा सकते हो। इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर अपने यहाँ बिजली अवेलेबल है तो आप बिजली से भी चला सकते हो इस मशीन को। बिजली अवेलेबल नहीं है तो इन्वर्टर बैटरी से भी आप इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हो। जैसे भी हमने टेस्टिंग के लिए यहाँ बिजली से इसको स्टार्ट किया हुआ है, आप देख सकते हो मशीन की क्वालिटी, फिनिशिंग वगैरह आप देख सकते हो। पूरा स्टेनलेस स्टील एसएस की बढ़िया क्वालिटी में मशीन बनाया हुआ हैवी क्वालिटी के व्हील लगा दिए हुए इसके अंदर, आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने लॉक सिस्टम रखा है, जैसे कहीं आप मेले वगैरह में कहीं बाहर रख रहे हो तो यहाँ पे लॉक करके लॉक भी लगा सकते हो। यहाँ पे हमने गन्ना रखने के लिए स्टोरेज दे दिया हुआ है, ये गन्ना रखने के लिए स्टोरेज है। यहाँ पे एमएल सिस्टम भी दिया हुआ है हमने, आप जितना एमएल सेट करोगे 200 ml 250 ml इतना एमएल जूस आएगा। काउंटिंग सिस्टम दिया हुआ है, पर डे कितना गन्ने का ग्लास निकला है जूस का वो भी बता देगा इसके अंदर। यहाँ आगे भी हमने उसका कूलिंग सिस्टम रख दिया हुआ है, आप देख सकते हो। उसके अंदर आइस डाल दिया हुआ है तो बिना बिजली का ही ठंडा करके बाहर निकालेगा गन्ने का जूस। पूरा पाइपिंग के स्ट्रक्चर में रेडी किया हुआ है। आगे हमने एलईडी लाइट लगा दिया हुआ है डिस्प्ले में, देखिए लाइट ऑफ हो चुका है, स्विच दिया हुआ है, ये लाइट ऑन हो चुका है। पूरा हैवी क्वालिटी की पाइप यूज किया हुआ है इसके अंदर, आप देख सकते हो पाइप की क्वालिटी वगैरह भी। और ये मशीन की क्वालिटी भी आप देख सकते हो, कितना बेहतरीन क्वालिटी का मशीन है। इसमें हमने दो ऑप्शन दिए हुए, अगर अपने को चिल्ड गन्ने का जूस देना तो यहाँ से चिल्ड आएगा, यहाँ से नॉर्मल वाला देना है तो नॉर्मल आएगा। थ्री रोलर वाला मशीन है, एक ही बार गन्ना डालना है, एक ही बार में पूरा क्रश कर देगा। यहाँ पे रिवर्स फॉरवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे वोल्टेज मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे इंडिकेटर लाइट दिया हुआ है। और आगे भी मैं इसका आपको बॉर्डर दिखा दूं, देख सकते हो यहाँ पे पूरा बॉर्डर बनाया हुआ है हमने मशीन के साथ। चारों बाजू हमने बॉर्डर फ्रेमिंग कर दिया हुआ है मशीन के साथ। ये मशीन का आगे का लुक है। और यहाँ पे हमने इन्वर्टर बैटरी रखने के लिए स्पेस दे दिया हुआ है, जैसे अगर आपको बिजली से नहीं चलाना है तो इन्वर्टर बैटरी रखने के लिए यहाँ पे स्पेस दे दिया हुआ है। इसको भी आप करके लॉक लगा सकते हो। अब फ्रेंड्स, मैं आपको मशीन में से लाइव गन्ने का जूस निकाल के बता रहा हूं। आप देख सकते हो, मशीन को चालू करने के लिए आपको यहां से सिर्फ स्विच ऑन करना है। देखिए, मैंने स्विच ऑन कर दिया है, मशीन कितना वोल्टेज ले रहा है वो बता रहा है। यहां से आप चालू करोगे, ये मशीन चालू हो रहा है। ये फॉरवर्ड का ऑप्शन है, आप बंद करके अगर गन्ना का इन फ्यूचर अगर अपना फंस जाता है तो रिवर्स भी कर सकते हो। देखिए, ये रिवर्स का ऑप्शन है, यहां से आप इस तरीके से गन्ना ले सकते हो। देखिए, ये गन्ना आपको इस साइज का कटिंग करना रहेगा, एक ही बार गन्ना डालना है, दूसरी बार डालने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, मैंने मशीन को ऑन कर दिया हुआ है, यहां से रख के शिफ्ट पुश कर देना रहेगा आपको। देखिए, ये मशीन ऑटोमेटिकली पूरा गन्ना ले रहा है, पूरा वन टाइम क्रशिंग है। आपका जो गन्ने का जूस है यहाँ से आ रहा है। अब मैं एक और में गन्ना यहाँ से डाल के आपको बता रहा हूँ मशीन के अंदर, आप देख सकते हो पूरा प्योर हाइजेनिक जूस आ रहा है गन्ने का। अगर कस्टमर नहीं आ रहा है आप मशीन भी बंद कर सकते हो, कस्टमर जब आ रहा है तभी आप इसका जूस निकाल सकते हो। यहाँ पे इसका जो वेस्टेज है, यहाँ पे हमने उसका सिस्टम दे दिया हुआ है वेस्टेज के लिए, आप देख सकते हो उसका जो क्रशिंग हो रहा है, आप देख सकते हो वन टाइम में पूरा क्रश कर दे रहा है, दूसरी बार गन्ना डालने की आपको जरूरत ही नहीं है इस मशीन के अंदर। अब अपने को जितना ml सेट किया हो उतना ml आप यहाँ से जूस निकाल सकते हो। अब देख सकते हो, आपको ग्लास लेना है, यहाँ से ये बटन को प्रेस करोगे, देख सकते हो आप जितना ml सेट किया उतना ml जूस आ गया। अब इसका जो चिल्ड है आप देख सकते हो कितना चिलिंग हुआ है, ठंडा कितना हुआ है आप देख सकते हो। अगर नॉर्मल जूस निकालना है तो आप यहाँ से नॉर्मल निकाल सकते हो, और चिल्ड वाला यहाँ से आपको सिर्फ बटन ही प्रेस करना है, देख सकते हो। देखिए, आप जूस आ रहा है यहाँ पे, प्योरा हाइजेनिक क्वालिटी का गन्ने का जूस आपका रेडी हो चुका है।
एक ग्लास बनाने का जो कॉस्टिंग है आपको 3 रुपए के आसपास आएगा, देख सकते हो, या आप पूरा आइस वगैरह, और आप मार्केट में 10 रुपए में एक ग्लास को सेल कर सकते हो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूजफुल बिजनेस है, बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है और पूरा हाइजेनिक बिजनेस है। इसमें आपको ऐसा नहीं कि बार बार गन्ना डालना है, फिर ठंडा करने के लिए आइस डालना है, पूरा सिस्टमेटिक बनाया हुआ है मशीन को, पूरा स्टेनलेस स्टील का है, हाइजेनिक क्वालिटी का मशीन है। तो इस मशीन को आप परचेज करके खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर अपनी शॉप है, शॉप के बाहर भी रख सकते हो, या कहीं मेले वगैरह में भी लेके जाना है, या कहीं अगर आपको घूम के फिर के बिजनेस करना है, जैसे आपको जगह का प्रॉब्लम है, स्पेस का प्रॉब्लम है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो इस मशीन को परचेज करने के लिए गए नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। इसके अलावा हमारे पास नॉर्मल क्रशिंग वाला भी मशीन है, 16 मशीन है, 16 बोतल फिलिंग प्लांट है। बेवरेजेस प्रोडक्ट की सारी मशीनरी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं और सप्लाई भी करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो हमारी जो यूट्यूब की जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।